ब्रेकिंग न्यूज यह है कि इलेक्शन कमीशन ने हंगामी मुशावरती इजलास तलब कर लिया है। हमारे नुमाइंदे वकार सैयद हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात वो बताएंगे। अब वकार आगाह कीजिएगा कौन कौन सी अहम शख्सियात इस अहम इजलास में शिरकत करेंगी। वकार से हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अदील वड़ाई साहब कुछ कह रहे थे, प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। अब इलेक्शन कमीशन की तरह वकार ने खबर शेयर की कि इलेक्शन कमीशन ने एक इजलास बुलाकर पहले एक बैठक लगाना चाहता है। इसका मतलब ये है कि टाइम की सेंसिटिविटी का इलेक्शन कमीशन को अंदाजा नहीं। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि डायरेक्शन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के लिए कि आप जाए मुशावरत करें। अभी तो इसका मतलब है कि अगर इजलास के ही बैठना है और उसके बाद मुशावरत करनी है कि सदर के पास जाना है या नहीं जाना है, तो ये तो वही लड़ाई दोबारा शुरू होती दिखाई दे रही है कि जी सदर के पास अख्तियार नहीं, हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, हम सदर से मिलेंगे नहीं, कानून में हमारे पास अख्तियार है। अभी तक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को जाके सदर मुमलिकत से इख्तियारात की लड़ाई आपको दोबारा होते हुए नजर आ रही है।